वहीं खंडवा पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का लोकार्पण किया। इस यूनिट से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आपको बता दें कि खंडवा के मुंदी विधानसभा में सीएम ने जय किसान ऋण माफी योजना के लाभार्थी किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान का बेटा बताते रहे हैं और किसानों पर ही गोलियां मार दी। हमारे व्यापारियों का भविष्य, हमारे माताओं और बहनों की सुरक्षा का भविष्य, ये तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, कहते थे ना अच्छे दिन आएंगे, चिल्लाते रहते थे अच्छे दिन आएंगे। 5 साल पहले की याद रखिए, बस अच्छे दिन आएंगे। इसके अच्छे दिन आए भाजपा के नेताओं के अच्छे दिन आए, जिनके पास 2 व्हीलर नहीं थी, लेके घूमते हैं। भाजपा के नेताओं के अच्छे दिन आए, ये कहते थे 15 लाख, 15 लाख हर खाते में आएगा। अब चुनाव 2 महीने दूर है, 15 लाख की इंतजार सब करते गए। आपका खाता खोलो, याद है मोदी जी कहते थे खाता खोलो खाता खोलो। इतनों ने खाता खोला, 600 रुपए लगाए, 700 रुपए लगाए, खाता खोला। वो 600 रुपए 15 लाख तो छोड़िए, वो 600 रुपए के 500 रुपए हो गए, बैंक ने 100 रुपए काट लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।